हेलो बच्चों, आज आप लोगों का इस प्रॉब्लम सॉल्व चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ चैप्टर 5 कंटिन्यूअल डिफरेंसिबिलिटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 19 देखेंगे। तो चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोगों को क्या करना है, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करें, इस वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करेंगे और इसको वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के लिए और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर, आप भी मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत करें। चलिए क्वेश्चन पढ़ते क्या करा है। यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी एंड द डिफरेंशिएशन ऑपरेंड फॉर सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन। चलिए समझते हैं हम लोग यहाँ पे ना, हम लोग को क्या करना है, इसका यूज करके ना, इसका क्या करेंगे हम लोग, यूज करके इसको डिफरेंशिएट करके जब हम लोग इसको, जब हम लोग को फाइनल जो आंसर मिलेगा वो किसमें मिलेगा, हम लोग कोसाइन का फॉर्मूला मिलेगा। किसका, वो साइन का फॉर्मूला। यहाँ पे जैसे साइन का ये फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला है। यहाँ पे आ जाए कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, चलिए देखेंगे यहाँ पे सबको ध्यानपूर्वक देखेंगे, कॉपी पेन ले लेंगे, सबसे पहले वीडियो को देखेंगे एक बार फिर आप नोट करेंगे। क्या है हम लोग का, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। कुछ बच्चे तो सोच रहे हैं सर कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएशन, सर ये तो जीरो हो जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे सर डिफ्रेंशिएशन, हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। हम लोग का जो ए बी है ना, हम लोग मान के चलेंगे कि किसके फॉर्म में, एक्स के फॉर्म, एक्स के ही फॉर्म में है, वरना तो डिफरेंशिएट नहीं होगा, जीरो हो जाएगा ना। मान के चलेंगे हम लोग कि जो हम लोग का ए और बी है वो किसके फॉर्म में है, एक्स के फॉर्म में। चलिए देखते हैं यहां पे क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस बी। अब यहां पर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे ए का, तो क्या होगा डी ए बाई डी एक्स प्लस यहां पे डी बी बाय डी एक्स। यहां पे देखेंगे ध्यान से क्या हो जाएगा, साइन को बाहर निकालेंगे, प्रोडक्ट में तोड़ रहे हैं ना, यू भी में यू बाहर किए तो भी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए सॉरी साइन बी ना, और यहां पे बी का क्या हो जाएगा डी बी बाय डी एक्स। फिर अब किसको बाहर निकालेंगे, भी को बाहर निकालेंगे, यू का डिफरेंशिएशन, साइन ए का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस ए और ए का डी ए बाय डी एक्स, यही हो जाएगा। फिर अब यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस साइन, अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, कोस बाहर निकालेंगे, कोस ए बाहर निकालेंगे, साइन बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाए हम लोग का, कोस बी और बी का डी बी बाय डी एक्स, नीचे लिख देता हूं। अब इसका करेंगे साइन, अब किसको निकालेंगे, साइन बी को बाहर निकालेंगे, साइन बी को बाहर निकालेंगे, कोस ए का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कोस ए का डिफरेंशिएशन, कोस ए का डिफरेंस हो जाएगा माइनस साइन ए और यहां पे ए का डी ए बाय डी एक्स, ये हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए ध्यान से देखेंगे कोस, यहां पे थोड़ा मैं शॉर्टकट में जाऊंगा तो ध्यान से देखेंगे, इसीलिए कोस ए प्लस बी डी ए बाय डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू, हम लोग का यहां पे क्या होगा ध्यान से देखेंगे, एक काम करते हैं हम लोग ध्यान से देखेंगे ना, इसमें भी डी ए डी ए बाई डी एक्स है, इसमें भी डी ए बाई डी एक्स है, ले लेते हैं ना, इसमें भी डी ए बाई डी एक्स है, उसमें भी डी ए बाई डी एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको ले लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, डी ए बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा,
अंदर क्या बचेगा, अंदर कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी बचा। अब यहां पे देखिए माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस सामने आ जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यहां पे माइनस सामने आ जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पे साइन ए साइन बी, यही हो जाएगा। अब प्लस साइन, अब डी बी बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा क्योंकि इसमें भी है इस और इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी है। क्या करेंगे हम लोग यहां पे ध्यान से देखेंगे, प्लस वालों को पहले लिख लेंगे, यहां पे क्या आ जाएगा कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी यहां पे क्या आ जाएगा माइनस सामने आ जाएगा, तो माइनस साइन ए साइन बी। जल्दी से नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। अब हम लोग आगे देखेंगे, चलिए देखते हैं हम लोग कैसे अब क्या करेंगे, हम लोग का यहां पे क्या हो जाएगा कोस ए प्लस बी डी ए बाय डी एक्स प्लस डी बी बाय डी एक्स। अब क्या करेंगे देखिए, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या बचेगा डी ए बाय डी एक्स प्लस डी बी बाय डी बी बाय डी एक्स, मिटा दूं इसको। अब क्या करेंगे, आप लोग वहां से चिल्ला रहे हैं सर हाँ सर हाँ सर, हमें पता चल गया सर अब क्या कर रहे हैं, डी ए बाई डी एक्स इधर भी, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इधर भी है और डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इधर भी है, सर कैंसिल कर दीजिए। मैं आपकी आवाज, मैंने आपकी आवाज सुन ली। अब यहाँ पे क्या हो गया कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला आ गया कोस ए प्लस बी का, कोस ए प्लस बी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही होता है। नोट कर लेंगे हम लोग का फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।